हेलो, आई एम विकट खान। मैं क्वींस हॉस्पिटल के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे एक इमरजेंसी में आई थी। आई हैव अ 7 month प्रेगनेंसी जिस वक्त मैं यहाँ आई थी, एंड अचानक बिकॉज ऑफ लेबर पेन मुझे यहाँ दिखाया गया, एंड डॉक्टर जैस्मिन सर्वे ने मेरी डिलीवरी की थी। प्रीमैच्योर बेबी था मेरा, सिर्फ 900 grams की मेरी बेबी थी, 27 weeks की। तो यहाँ पे उसे काफ़ी केयर मिला, NICU में रखा गया डॉक्टर तालिब सर्वे के अंडर। उसका सारा प्रोसीजर्स किया गया, काफ़ी कोऑपरेट किया डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, पूरे स्टाफ ने, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम। सो आई जस्ट से थैंक यू टू देम। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा बाईपास से लगकर अंबेडकर पाड़ा में आज फॉरेस्ट विभाग ने कार्रवाई की है। आज सुबह से ही यहां पर कार्रवाई कर करीब 25 झोपड़ियों को तोड़ दिया गया है, और बाकी जो झोपड़ी वाले बच्चे हैं इन लोगों को 2 दिनों का समय फॉरेस्ट विभाग की तरफ से दिया गया है। जिन झोपड़ियों को तोड़ा गया है उनमें रहने वाले लोगों का कहना है कि करीब 3 साल पहले इन लोगों ने इन झोपड़ियों को लिया था। उस वक्त इन झोपड़ियों को बेचने वालों ने फॉरेस्ट विभाग की ज़मीन को 7-12 बताकर अपना खुद का और इन लोगों से बेच दिया। किसी से 2 लाख में, किसी से 1.5 लाख में ये झोपड़ियाँ बेची गई। 2 ऐसे लोग यहाँ पर हैं जो लोगों को गुमराह करके फॉरेस्ट विभाग की ज़मीन को 7-12 बताकर गरीबों को बेच दिया है। 3 साल से ये लोग इसमें रह रहे हैं मगर इनके पास कुछ भी घर का प्रूफ नहीं है। ऐसे में आज फॉरेस्ट विभाग ने कार्रवाई कर करीब 25 घरों को यहां पर तोड़ा है। अब चिलचिलाती हुई धूप में ये परिवार अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ खुले आसमान में रहने को मजबूर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अख्तर बानो है। ये आपका घर था? हाँ, मेरा घर है। कब लिए थे ये घर? 3 साल पहले लिए हम लोग। कार्रवाई आज हुई यहाँ पर फॉरेस्ट विभाग के, क्या हुआ? आप लोग का कुछ बटना ही था? पता ही नहीं था हम लोग को, कुछ भी नहीं पता। डायरेक्ट आकर तोड़े हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे, हमारा सारा सामान सब नुकसान हो गया। अभी हम लोग को अगर 1-2 दिन पहले बताए भी होते कि यहाँ टूटने वाला है तो हम लोग कुछ भी इंतजाम करते, लेकिन हम लोग को कुछ भी पता नहीं, डायरेक्ट हमारे घर में आकर तोड़ने लगे। हम लोग रोने लगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, धूप में कैसे मरेंगे, कहाँ। जिसने बेचा था उसने आके डायरेक्ट बोला है कि थोड़ा सा तोड़ दिया और पूरा घर तोड़ डाले। किससे लिए थे आप लोगों ने? वो पीछे जो रहता है ना, वो लोग से लिए थे। क्या नाम? अरुण शेख। नाम क्या मालूम है आपको? हाँ, नाम मालूम है ना, उज्मा अरुण शेख। कितने का लिए थे? 1.5 लाख का लिए थे। तो आप लोग को नहीं मालूम ये सब फॉरेस्ट विभाग की जमीन है? फिर 18 लाख का हम लोग ने खरीदे हैं, इसका 7-12 का उतारा है। जब पुलिस वाले फॉरेस्ट वाले आए तोड़ने के लिए, हम लोग ने बोले पेपर दिखाओ, तो बोले कोर्ट में रखा है पेपर। ये सब पहाड़ है, फॉरेस्ट की जमीन है, तो उसका 7-12 कैसे हो जाएगा? क्या मालूम, हम लोग भी पूछ रहे हैं ना, हम लोग भी तो वही पूछ रहे हैं कि 7-12 का जब उतारा, जब अभी फॉरेस्ट आई, हम लोग बोले कि फॉरेस्ट आई तो दिखा पेपर तेरे पास है, तो 7-12 का उतारा, उसने क्या बोल रही कि पेपर वकील के पास रखा है। घर तो लेकिन टूट गया ना तुम्हारा, वकील के पास क्या करें? हम लोग का घर से बेघर हो गए, छोटे छोटे बच्चे कहाँ लेके जाए, इतना धूप है, बताओ धूप में कहाँ जाएंगे? 1.5 लाख का लिए थे? 2 लाख का? 1.5 लाख। 4 रूम 6 लाख रुपए? 4 रूम लिए हम लोग, 1.5 लाख। 4 रूम धोखे में रख के पेपर भी नहीं बनाए अभी तक। पेपर का बोल, 3 साल हो गया अभी तक कुछ बनाए भी नहीं? नहीं, पेपर नहीं बनाए। केस भी किए थे हम लोग, केस की भी सुनवाई नहीं हुई। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफसर सिंह। क्या हुआ था मामला बताइए। हमको पहले, हम तो आए यहाँ लेने के लिए, जगह देखने के लिए, बोले हमारा जगह ये फुल सब जगह लोकल है। हमारे ये पास 7-12 की जगह ये है मेरी है। तो मतलब ठीक है, आपको 7-12 की जगह, हमको फर्स्ट टाइम है, हमको कुछ लेना देना हमको समझ में नहीं आया। बोले चलो ठीक है, अपने सर पर एक झोपड़ा हो जाएगा रहने के लिए। बोले चलो ठीक है, तो फिर हमने पहले पैस दिया 50,000 रुपया। बोला 50,000, पहले 10,000 हमने टोकन दिया उनको, फिर 10,000 टोकन देने के बाद फिर बोला कि 50,000 फिर दिए, फिर बोले 50,000 देने के बाद फिर उन्होंने झोपड़ा बना के दिए मेरे को रहने के लिए। फिर उसके बाद वो 50,000 देने के बाद आए, फिर हम लोग टोटल कितना दिए पैसा उनको? हमने 1.5 लाख, एक घर से 1.5 लाख रुपये, हम लोग 4 लोग हैं, 4 फैमिली। हाँ, 4 फैमिली हम लोग हैं, सबने 1.5 लाख रुपये दिए। किसको दिए थे? 1,45,000, 1,45,000, 8-2, 1.5 लाख रुपये। किसको दिए थे? हारून शेख। उजमा कुछ उसने प्रूफ वगैरह डॉक्यूमेंट्स कुछ बना के दिया? मैंने खाली मेरा प्रूफ बना के दिए परसों के दिन। आपका घर टूटा? नहीं, मेरा घर अभी नहीं टूटा। अच्छा, ये वो वाला लास्ट वाला है ना घर मेरा? अच्छा, लास्ट वाला दिखाए थे आपने फॉरेस्ट वालों? हाँ, मैंने दिखाया, पापा उनको पेपर भी दे दिया मैंने, उन्होंने पेपर लेके गए।
लेकिन ऐसे पहाड़ी इलाका है, फॉरेस्ट का जमीन, आप लोग क्यों ऐसे लेकर फंस जाते हो? नहीं मालूम था हमको, फर्स्ट टाइम हम बोले थे, कुछ हमको जानकारी नहीं था। यही बोल रहे हैं ना कि हम लोग 18 लाख में जमीन, हम लोग को 18 लाख में जमीन खरीदी है, 7-12 तो हम लोग लिए, हम लोग को क्या मालूम था। हमने केस भी किए थे इनके नाम पे, हम लोग केस भी किए, क्या केस किए थे? यही कि हमको, हमने पैसा दे दिया है, हमने पैसा दिया, हमारा पेपर बना के नहीं दे रहे। तो अभी कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे आप लोग? अभी सोच रहा हूँ कहाँ जाए, क्या करें, कोई कुछ पैसे भी नहीं हमारे पास, जो था जैसे भी था, हम लोग खाली कमाने खाने वाले इंसान है, रोज का रोज का रोज कमा कर, हम लोग इतना परेशान थे तभी हम लोग इधर आए थे, भाड़ा भरने का हम लोग को ताकत नहीं थी, भाड़ा भरने का।